हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पे क्राफ्ट्स बनाना सीखते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिजाइंस के। सो आज हम एक पॉट बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा लुक देगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें ये बनाने के लिए हमें एक चाहिए वाइट पेज, कैसा भी हो सकता है, लाइनिंग भी चलेगा, वाइट भी चलेगा, जैसा आप कंफर्टेबल हो। एक कलर पेज, सीजर, पेंसिल, इरेजर, ग्लू और एक ये हेलमेट पेपर शीट चाहिए। ये देखिए, ये पूरा बड़ा सा चार्ट पेपर जैसा मिलता है, आप इसे मार्केट में परचेस कर सकते हैं। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसे कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बनाने के लिए पहले हमारा जो वाइट पेज है उस पर हम एक पॉट, हाफ पॉट शेप ड्रॉ कर लेंगे, जैसा भी हम कंफर्टेबल हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ, हम इस पर एक हाफ पॉट शेप ड्रॉ कर लेंगे बहुत ही आराम से। आप चाहें तो इसके लिए किसी भी डिज़ाइन का पॉट बना करके उसे कॉपी भी कर सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। सो हम इसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा हाफ पॉट शेप लगभग हो गया है। ओके, ये पॉट शेप हाफ हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे सीजर के हेल्प से। ओके, इसे हम कट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसे हाफ कट कर लिया है, हम पेज फोल्ड करके कट करेंगे। सो ये देखिए, ये हमारा पॉट का पूरा वन साइड जो है वो आ गया है, इस पॉट का साइज एक साइड हमें निकल गया है। अब हम इसकी हेल्प से इस शीट पे ड्रॉ करेंगे और फिर कट करेंगे। सो चलिए हम देखते हैं। सो ये जो पॉट शेप हमारा कट हुआ है, इससे उससे हम इस हेलमेट पेपर शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको रंग हमने ड्रॉ करके ये कट कर लिया है, आप देख रहे हैं। ऐसा हम तीन कट करेंगे, एक ये हो गया, एक मैंने यहाँ ड्रॉ किया है और एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा हम तीन बना करके कट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बताते हैं। पहले हम इसे कट कर लेते हैं बना। जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये तीन पॉट शेप में हमने अलग अलग कट कर लिया है। अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे, हम एक कलर पेपर से पतली स्ट्रिप काट निकाल लेंगे स्केल से मेजर करके। बहुत पतली भी नहीं निकालनी, इतनी पतली निकालनी है जिसके बीच में हम दो पेपर अटैच कर सकें। तो हमें तब थोड़ा निकाल लेंगे ड्रॉ करके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये मैंने तीनों साइड से तीन स्ट्रिप कट करके इसको अटैच कर दिया है सभी कोल से। अब हम इसका बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने एक हार्ड कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। पहले हम शेप नहीं कट करेंगे, पहले हम इसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे से हल्का हल्का फोल्ड करेंगे और सेम ऐसे ही पतली स्ट्रिप हम एक और कट करेंगे। ओके, कट करके फिर हम इसका बेस बनाएंगे। पहले हम इसे कट कर लेते हैं पतली स्ट्रिप। ये स्ट्रिप हमने कट कर ली है, इस पर फेविकोल लगा करके हम इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं मैंने बेस करके उसको जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड था उसे कट कर दिया है। और ये हमारा फाइनली पॉट रेडी हो गया है, ये देखिए। सो अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ओके, डेकोरेट करने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कटे हुए स्टार्स हैं, मैं इसका यूज़ करके इन्हें डेकोरेट करूँगी। ये देखिए, ये स्टार्स हैं कटे हुए, इससे हम जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये मैंने इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है स्टिकर्स फ्लावर्स के लगा करके। और ये हमारा पॉट फाइनली कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। आप ऐसा ही बहुत से डिज़ाइन से पॉट बना सकते हो। ओके, ये देखिए, आप चाहें तो ऐसा पॉट बना करके होली या दिवाली पे अपने घर पे डेकोरेट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।